मैं मानता हूं कि ऐसे आसिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, बहुत भावनात्मक लोग होते हैं तो उनके लिए कोई उनकी आलोचना करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक के प्रसंग तो उनमें एक 47 जब आज़ादी मिली बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई जिस प्रकार से, आंखों में फिर से आंसू आए। आज भी वैसे जब मैं यहाँ आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आंसू आ गए। मैं मानता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। जैसे यहाँ बताया गया कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था, आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है।